शहीद रामकिशोर का पार्थिव शरीर पंचतत्व में हुआ विलीन। सैनिक सम्मान के साथ नम आंखों से दी विदाई। राजाखेड़ा धौलपुर की दुखद खबर। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन जीवन रक्षक के दौरान शहीद हुए सिपाही रामकिशोर का शनिवार सुबह उनके पैतृक गांव दुल्ही राय का घेर में पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। केंद्र सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल, राज्य मंत्री गृह एवं प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम, अध्यक्ष राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति प्रेम सिंह बाजौर ने शहीद के घर पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा उनके परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। भारत माता की जय और शहीद रामकिशोर अमर रहे के नारों के बीच दूर दराज से आए हजारों लोगों ने अपने लाडले शहीद को अंतिम विदाई दी। केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल, राज्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम, अध्यक्ष राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति प्रेम सिंह बाजौर, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, पुलिस अधीक्षक सुमित मेहडा ने तिरंगा लिपटे शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद के पिता महावीर सिंह, धर्मपत्नी पूजा और उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने कहा कि इतनी कम उम्र में परिवार का सदस्य का दुनिया से चले जाना किसी भी परिवार के लिए बहुत दुखा विषय है, लेकिन उन्होंने देश के लिए शहादत देकर परिवार के साथ ही पूरे प्रदेश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि हमें अपने वीर शहीद के सर्वोच्च बलिदान पर गर्व है। राज्य सरकार एवं प्रशासन दुख की इस कड़ी में परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने शहीद के अंत्येष्टि से पूर्व पार्थिव शरीर को कंधा दिया। फारी गम और गर्व भरे माहौल में शहीद के भतीजे ने शहीद की चिता को मुखाग्नि दी। तिरंगा लिपटे शहीद के पार्थिव शरीर को सैनिकों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस अवसर पर सांसद भजनलाल जाटव, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा समेत बड़ी संख्या में प्रशासनिक, पुलिस, सैन्य अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, आमजन ने पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सतेंद्र पारा सर, भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे। पीछे अपने आप रह जाएंगे अब। भाइयों, 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 भाइयों,
सरकार के महत्वपूर्ण आदेश पर दिव्यांगजनों के वेरिफिकेशन के लिए लगा शिविर। शिविर में दो घंटे तक नहीं पहुंचे अधिकारी। अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही पर लोगों में रोष। बाड़ी की प्रमुख खबर। आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव निदेशालय विशेष योग्यजन जयपुर के निर्देश पर धौलपुर जिले में दिव्यांगों के पंजीकरण बढ़ाने और दिव्यांगजनों को डिजिटल प्रमाण पत्र एवं UDID कार्ड उपलब्ध कराने को लेकर 30 अगस्त से 30 सितंबर तक विशेष दिव्यांग कल्याण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर जिले में पंचायत समिति वार्ड लगाए जा रहे हैं, जिसमें शुक्रवार 20 सितंबर को शिविर का आयोजन पंचायत समिति परिसर बाड़ी में रखा गया है। यह शिविर सुबह 9 बजे से आयोजित होना बताया गया है, लेकिन शिविर में 11 बजे तक किसी भी विभाग का अधिकारी या कर्मचारी नहीं पहुँचा। और तो और, दिव्यांगों की जाँच करने के लिए चिकित्सकों की जो टीम नियुक्त की गई उसके चिकित्सक ही काफ़ी समय तक कैंप में नहीं आए। ऐसे में दिव्यांगजनों के साथ आए उनके परिजनों ने विरोध किया और सरकार के इन शिविरों को खानापूर्ति बताया। कैंप में बसेड़ी रोड से विशेष योग्यजन के साथ आए राकेश गर्ग, टाटापाड़ा से आए अंजनी कुलश्रेष्ठ, ग्रामीण क्षेत्र नीमखेड़ा से आए कंपुरी, वेनपुरा से आए वीरेंद्र आदि ने बताया कि वे करीब 2 घंटे से कैंप में अपने बच्चों को लेकर खड़े हैं, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं है। और तो और, चिकित्सकों की टीम भी नहीं आई, जिसको लेकर यह कैंप केवल खानापूर्ति दिखाई दे रही है। कैंप में मिली अव्यवस्था को लेकर शहर के समाज सेवी बाबूलाल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि वे रोडवेज के पास को लेकर दिव्यांगजन के साथ आए थे, लेकिन रोडवेज विभाग से कोई भी अधिकारी कैंप में 12 बजे तक नहीं आया है। जब काम करने वाले अधिकारी मौजूद नहीं हैं तो दिव्यांगों को क्यों सुबह 10 बजे से बिठा रखा है। वहीं दूसरी ओर, कैंप आयोजन को लेकर पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि कैंप आयोजन में थोड़ी समस्या आई है। 12 बजे तक लगभग सभी अधिकारी कैंप में आ चुके हैं, जिन्होंने काम शुरू कर दिया है। शिविर में जब तक दिव्यांगजन रहेंगे तब तक काम करेंगे। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे दिव्यांगों के लिए आयोजित होने वाले शिविर में समय से पहुँच कर अपना कार्य करें, जिसमें जिला समाज कल्याण अधिकारी और उनकी टीम, रोडवेज डिपो के कर्मचारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमे से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रशासनिक अधिकारी हर शिविर में मौजूद रहेंगे। इसके बावजूद अधिकारी कर्मचारियों की संवेदनहीन लापरवाही सवाल खड़ी करती है। बाड़ी से VVN ब्यूरो के लिए प्रमोद मुद्गल की रिपोर्ट। बच्चे को लेकर 10 बजे से बैठे हैं, कभी कोई जवाब साहब नहीं आया, हम परेशान। नीमखेड़ा से आए यार, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, परेशानी आ रही है। मैं यहाँ पे कैंप में दिव्यांग जन का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आया हूँ। 10 बजे का मैं यहाँ उपस्थित हूँ। यहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर आए और ना कोई प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा है, व्यवस्था है। और मेरा सर्टिफिकेट पिछले कई महीनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है और ये बन नहीं पा रहा। सरकार का ये झूठा वादा सा लग रहा है मुझे। 10 बजे का टाइम दिया था और अब 11 बज चुके हैं और यहाँ पे ना तो कोई सुविधा है ना कोई स्टाफ है। यहाँ पे आप देख रहे हो, सभी पब्लिक बुरी तरह से, कोई अधिकारी नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश गर्ग है। क्या समस्या आ रही है? पैसा तो समय भी आया है, यहाँ पर डॉक्टर नहीं आया, कोई भी नहीं आया है। एक साल से भजभज के परेशान कर दिए, जयपुर धौलपुर भजले CM बोलते हैं सर्टिफिकेट निकल जाएगा, अभी तक नहीं निकला है, ऑनलाइन कर दिया, देखते तो निकलता नहीं। आप यहाँ कितनी देर से बैठे हो? जय 1.5 घंटा हो गया कम से कम, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र है। कहाँ से आए हो? वेनपुरा से। Thank you.
ऑपरेशन संबल के जरिए बुजुर्गों एवं निशक्त जनों का संबल बनेगी पुलिस। धौलपुर की प्रमुख खबर। पुलिस मुख्यालय राजस्थान के निर्देशानुसार जिले में पुलिस अधीक्षक सुमित महेड़ा के नेतृत्व में पुलिस द्वारा वृद्धजनों एवं निशक्तजनों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन संबल चलाया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि इसके जरिए बुजुर्गों की निगरानी की जाया करेगी। धौलपुर पुलिस जिले में रहने वाले बुजुर्गों की जानकारी बीट प्रभारी के जरिए एकत्रित करेगी। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के बीट प्रभारी घर घर सर्वे कर वृद्धजनों की जानकारी जुटाएंगे। पूरा खाका तैयार होने के बाद नियमित अंतराल पर उनके घर तक पहुंचकर संबल दिया करेंगे। पुलिस का फोकस घर पर अकेले रहने वाले वृद्धों पर अधिक रहेगा। पुलिस की तरफ से किए जाने वाले सर्वे से पता चलेगा कि शहर में कितने वृद्ध हैं, कितने वृद्ध दंपति अकेले रहते हैं। ऐसे में इन परिवारों को पुलिस का संबल मिल सकेगा। नियमित निगरानी के जरिए वारदातों को कम करने का प्रयास किया जाएगा। घर पर अकेले रहने वाले वृद्धजनों के साथ ठगी व लूट की वारदात हो जाती है। धौलपुर पुलिस द्वारा ऑपरेशन संबल के जरिए बुजुर्गों एवं निशक्त जनों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। बाड़ी बसेड़ी होते हुए भरतपुर पयाना धौलपुर रोडवेज बस सेवा शुरू। बाड़ी की प्रमुख खबर। बाड़ी बसेड़ी के लोगों को बयाना आने जाने के साधनों के अभाव को देखते हुए भरतपुर डिपो ने भरतपुर से बयाना धौलपुर रोडवेज बस आरंभ कर दी गई है। यह बस भरतपुर से उज्जैन बयाना बसेड़ी बाड़ी होते हुए धौलपुर जाएगी। भरतपुर डिपो प्रबंधक शक्ति सिंह ने बताया कि भरतपुर से यह बस सुबह 7 बजे चलकर 8:30 बजे बयाना तथा 10:20 पर बसेड़ी आएगी तथा बाड़ी होते हुए 12 बजे धौलपुर पहुंचेगी। धौलपुर से यह बस दोपहर 12:30 बजे चलकर 1:15 तक बाड़ी तथा 2 बजे बसेड़ी से चलकर बयाना होते हुए शाम को भरतपुर पहुंचेगी। इस बस का बयाना विधायक ऋतु बनावत ने विधिवत पूजा अर्चना कर तथा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्थानीय लोगों ने बयाना विधायक तथा भरतपुर रोडवेज प्रबंधक का आभार व्यक्त किया है तथा इस बस के नियमित संचालन का अनुरोध किया है। कल 22 सितंबर को 10 बजे से 4 बजे तक बिजली बंद रहेगी। बाड़ी की प्रमुख खबर। जयपुर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता आर के मीणा एवं कनिष्ठ अभियंता आयुष गुप्ता द्वारा जारी पत्र के अनुसार कल दिनांक 22 सितंबर 2024 को रखरखाव एवं सुधार कार्य को लेकर 132 केवी जीएसएस आरवीपीएनएल बाड़ी से विद्युत सप्लाई निम्न स्थानों पर सुबह 10 बजे से 4 बजे तक बंद रहेगी। 33 केवी मत्सूरा, 33 केवी रामसागर, 33 केवी कंचनपुर, 33 केवी बाड़ी, 33 केवी पेपर मिल बिचौली एवं 33 केवी सेवरपाली स्थानों की बिजली बंद रहेगी। सरमथुरा पुलिस ने जुआ खेलते हुए 11 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। सरमथुरा की प्रमुख खबर। एसपी सुमित महेड़ा के निर्देशन में एवं एएसपी एडीएफ कमल कुमार जांगिर, एएसपी मनोज शर्मा एवं डीएसपी नरेंद्र कुमार के निकटतम सुपरविजन में थाना प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में 2 अलग अलग स्थानों पर कार्यवाही करते हुए 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर निर्माणाधीन पंचायत समिति भवन में कार्यवाही करते हुए रामविलास, वदन सिंह, नरेश कुमार, दामोदर, रामकेश एवं हंसराम को सार्वजनिक स्थान पर जुआ की खाई वाले करते हुए गिरफ्तार किया। जाकर आरोपियों के कब्जे से 19,000 रुपये जुआ राशि एवं जुआ उपकरण जब्त किए गए हैं। दूसरी कार्यवाही में अवैध जुआ खेलने वाले आरोपियों के खिलाफ मुखबिर की सूचना पर खुर्दिया पुल के पास कार्यवाही करते हुए मुलजिमों पृथ्वी सिंह, सागर सिंह, ध्रुव सिंह, अतर सिंह एवं मनमोहक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 16,000 जुआ राशि एवं जुआ उपकरण भी जब्त किए गए हैं। मामले को लेकर थाना सरमथुरा में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। भारतीय किसान संघ की तहसील कार्यकारिणी गठित, नादनपुर बसेड़ी की प्रमुख खबर। आज दिनांक 21 सितंबर 2024 को डॉक्टर ध्रुव सिंह के निजी आवास पर भारतीय किसान संघ की उप तहसील नादनपुर बसेड़ी में तहसील कार्यकारिणी का गठन नती सिंह परमार प्रांत उपाध्यक्ष एवं रामवीर सिंह चुनाव प्रभारी की देखरेख में किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से नेत्रपाल सिंह अध्यक्ष, मेरू राम शर्मा को मंत्री का दायित्व दिया गया। ताराचंद शर्मा उपाध्यक्ष, राजेंद्र सिंह राजावत उपाध्यक्ष, कैलाश सिंह नयापुरा सहमंत्री, सतीश गुर्जर व्यसन मुक्ति प्रमुख, सत्यवीर परमार जैविक प्रमुख, राम भरोसी शर्मा गौसेवा प्रमुख, ओमवीर सिंह विद्युत प्रमुख, श्रवण सिंह सहकारिता प्रमुख, डॉक्टर ध्रुव सिंह, जगदीश गोस्वामी, भारत सिंह, महावीर गोस्वामी, नीरज शर्मा आदि को सदस्य एवं रामवीर सिंह कुमानपुरा को संरक्षक सर्वसम्मति से बनाया गया।
बैठक में नत्थी सिंह प्रांत उपाध्यक्ष के द्वारा भारतीय किसान संघ के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उप तहसील नादनपुर के अंतर्गत 7 ग्राम पंचायत आती हैं, जिसकी सभी ग्राम पंचायतों एवं सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व इस कार्यकारिणी में होना आवश्यक है तथा सभी 7 ग्राम पंचायतों के किसानों की समस्याओं का ज्ञापन तैयार करना है। इन सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय के गाँव में ग्राम समिति का गठन करना आवश्यक है, जिसकी प्रति ग्राम समिति प्रारूप में भरकर जिले पर बैठनी है। बैठक समापन पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष नेत्रपाल सिंह के द्वारा सबको धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कोतवाली पुलिस एवं डीएसटी के जुए के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, 14 जुआरी गिरफ्तार, बाड़ी की प्रमुख खबर। एसपी सुमित मेहरा के निर्देशन में जिले की पुलिस अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। इसके तहत थाना कोतवाली पुलिस बाड़ी एवं डीएसटी टीम धौलपुर की संयुक्त कार्यवाही में सूचना अधिकारी ब्रजेश कुमार कांस्टेबल की सूचना पर कार्यवाही करते हुए कस्बा के ठाकुरपाड़ा मोहल्ले में चल रहे जुए के अड्डे पर छापामारी कर 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया है तथा इनसे 1,63,150 रुपये एवं जुआ उपकरण बरामद किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF बाड़ी कमल कुमार के निकटतम सुपरविजन में कोतवाली थाना प्रभारी के नेतृत्व में जुआरियों के खिलाफ कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम में थाना कोतवाली इंचार्ज जगदीश सागर के साथ लालमन ASI नरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल इंचार्ज DST टीम धौलपुर में जाप्ता ब्रजेश कुमार कांस्टेबल विशेष भूमिका, रितेश कुमार, सुमन प्रकाश, रमज्ञान, मान सिंह, रणवीर सिंह, राम अवतार कांस्टेबल थाना कोतवाली बाड़ी शामिल रहे। प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना के प्रशिक्षणार्थियों को प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन दिए प्रमाण पत्र। सेपो की प्रमुख खबर। ग्राम पंचायत तसीमों में स्थित PM विश्वकर्मा है, जिसको माननीय मोदी जी की इस योजना का लाभ मिला है। सब लोग इस योजना का लाभ उठाएं, अच्छे से अपनी ट्रेनिंग पूरी करें और जो भी सरकार की तरफ से लोन वगैरह की सुविधा मिल रही है आप लोगों को, वो आप लोग लें। अपने आसपास के लोगों को भी सारी योजना के बारे में अवगत कराएं ताकि और लोग भी अपना इस योजना का लाभ ले सकें और अपना जो जीवन स्तर है उसको सुधार सकें। महाराष्ट्र में आयोजित कार्यक्रम में पूरे देश से उन विशेष 500 प्रशिक्षण केंद्र को चुना गया है। उन 500 प्रशिक्षण केंद्रों में तसीमों प्रशिक्षण केंद्र का नाम आना जिले के लिए तथा इस केंद्र पर प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षणार्थियों के लिए बहुत ही गर्व योग्य है। PM के कार्यक्रम से लाइव छोड़कर PM द्वारा की गई घोषणाओं, ऑनलाइन प्रमाण पत्र, आई कार्ड तथा ऋणों को पाकर प्रशिक्षणार्थियों में उत्साह की लहर है। इस अवसर पर अश्विनी कुमार यादव प्राचार्य ITI धौलपुर, अंजू गोयल असिस्टेंट डायरेक्टर RDSTE जयपुर, अवधेश कुमार वर्मा प्रबंधक SBI तशीमो, अरुण कुमार मीना प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक सैंपऊ, विजय चौधरी प्रबंधक BRKGV बैंक सैंपऊ, अर्जुन कुशवा सरपंच सैंपऊ, रामोतार फौजी सरपंच तसीमो, लक्ष्मण कोहली संस्था प्रधान भरतपुर एवं मंडल महामंत्री भाजपा सैंपऊ, रामविलास बघेल मंडल अध्यक्ष भाजपा सैंपऊ, नेमीचंद सरपंच नुनहेरा, रामहित कुशवा अध्यक्ष, जय फूले कुशवा विकास समिति सैंपऊ, देवेंद्र परमार पिपरुआ सरपंच, महेश चंद्र रावत संस्था निदेशक राधेकृष्णा रावत, लक्ष्मी नारायण संस्था व्यवस्थापक विनोद कुमार पिपेश ट्रेनर, मंगल सिंह ट्रेनर, दौलत राम कुशवा ट्रेनर, फगवती प्रसाद कुशवा ट्रेनर, सतीश कुमार ट्रेनर, सुधीर बंसल ट्रेनर, होतम सिंह कुशवा पूनम कंप्यूटर ऑपरेटर, राजकुमारी आगरा संस्था प्रधान एवं 500 से अधिक प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। अवैध चंबल डेटा परिवहन में 4 माह से फरार आरोपी गिरफ्तार। सैंपो की प्रमुख खबर। अवैध चंबल डेटा परिवहन का 4 माह से फरार आरोपी को सैंपो पुलिस टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट एक्ट में पिछले 4 माह से फरार चल रहे मुलजिम रामवरण को कस्बा सैंपो की बसेड़ी तिराहे से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
मुलजिम से उक्त प्रकरण में शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है। डीएसपी शायर सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी गंभीर सिंह के साथ अजय सिंह एएसआई सुरेश चंद एवं अमर सिंह कांस्टेबल थाना सैंपउ शामिल रहे। एक किलो 500 ग्राम अवैध गांजे के साथ दो आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर की प्रमुख खबर। निहालगंज थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि आज जरौली फाटक ब्राह्मण धर्मशाला के पास पुलिस टीम द्वारा नाकाबंदी की गई। इस दौरान पुलिस पार्टी एवं जीप को देखकर दो युवक वापस पीछे की तरफ मुड़कर भागने लगे, जिन्हें जाप्ता ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। दोनों युवकों की तलाशी लेने पर एक किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान जारी है। डीएसपी तपेंद्र मीणा ने बताया कि अवैध गांजा प्रकरण में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में निहालगंज थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह के साथ राजकुमार हेड कांस्टेबल, भीमसेन जितेंद्र एवं नीरज कांस्टेबल थाना निहालगंज धौलपुर शामिल रहे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल विवियन भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।